आप सभी बच्चों का स्वागत है और जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तो बच्चों आज हम बनाना सीखेंगे छोटा भीम। तो ठीक है बच्चों, आज हम बनाना सीखेंगे छोटा भीम। ये आप बच्चों देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर जो है छोटा भीम, सॉरी छोटा भीम का एक छोटा सा ये इमेज ली है हमने। बच्चों एक ड्राइंग की क्लास चल रही है, ड्राइंग। ठीक है बेटा, ये ड्राइंग की क्लास चल रही है और हम इसमें छोटा भीम को बनाना सीखेंगे। आप लोग पेंसिल और इरेजर और स्केचबुक, कलर वगैरह जो कुछ भी है वो ले लेंगे। वो ले लेंगे ठीक है। और हमने यहाँ पर पेंसिल ले लिए। मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप पेंसिल यूज कर सकते हो। मैं सीधा डायरेक्ट आपको जो है ये कंप्यूटर पर बनाना सिखा रहा हूँ। मैं कंप्यूटर पर बना रहा हूँ और आप लोगों को ये किस पर बनाना है, पेंसिल से ड्राइंग बुक पर बनाना है। देखो तो सबसे पहले ना हम एक रैपिड स्केच बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी हमें कोई चीज बनानी होती है तो हम सबसे पहले एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। जो भी हम फेस बनाते हैं उसके लिए हम एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। और तो लाइन कितनी भी खींच रही है इसकी परवाह नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी हमें परवाह करनी भी नहीं चाहिए। लाइन तो जितनी खींचेगी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बाद में हम उसको ठीक कर लेंगे ठीक है। हाँ यहाँ पर ये हमने इसका फेस बना दिया है और ये इस तरह से जो है हम इसका यहाँ से इसका स्टमक तक यानी पेट तक इसका धड़ बनाएंगे। इसका बॉडी जो फिगर है, जो इसका बॉडी है वो बनाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे।
हम एक रैपिड स्केच तैयार कर लेंगे यहाँ पर, और यही रैपिड स्केच से हम अपनी ड्राइंग को फाइनल करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम इसका हेड बना लेंगे। सबसे पहले हम इसका हेड बना के तैयार कर लेंगे, उसके बाद में हम एक एक चीज को फाइनली बनाना शुरू करेंगे। ये हमने इसके हेयर तैयार कर लिए हैं, अब हम इसका ईयर बना रहे हैं। बच्चों, रैपिड स्केच बनाने का एक ये फायदा होता है कि हमें ना एक वर्क, जो जहां पर हम वर्क करते हैं, जिस स्थान पर जो वर्क एरिया है हमारा, उसका हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें जो भी काम करना है वो इसी वर्क एरिया के अंदर करना है। तो इसलिए हम ये रैपिड स्केच तैयार करते हैं, जो हमारी रफ स्केच है हम ये इसलिए तैयार करते हैं। छोटा भीम किस किस बच्चे को अच्छा लगता है? आई थिंक सभी बच्चों को छोटा भीम अच्छा लगता होगा भाई। मैंने भी बहुत देखा और मुझे भी बहुत पसंद था छोटा भीम। मैं तो अभी भी देखता हूँ, जब भी कभी कहानियां देखने का मन करता है तो मैं छोटा भीम को लगा लेता हूँ। छोटा भीम पे अच्छी अच्छी कहानियां आती है। बच्चों, मोबाइल ज्यादा देखने से अच्छा है कि आप इस तरह के, अगर कार्टून भी दे, अगर आपको कार्टून देखना ज्यादा पसंद है तो आप कार्टून देख सकते हो पढ़ाई के साथ साथ। मोबाइल से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोबाइल से आप कुछ नहीं सीखते, लेकिन अगर इस तरह के कार्टून, जो हमें एजुकेशनल जो कार्टून है जिससे हमें शिक्षा मिलती है, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें नई नई कहानियां होती है और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती है, जिससे बच्चे, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये पसंदीदा कैरेक्टर जो है भीम का इसीलिए लिया है, ताकि बच्चे इसको अच्छे से बना पाए, क्योंकि बच्चों का पसंदीदा कार्टून है तो बनाने में भी इंटरेस्ट लेंगे बच्चे। ये हमने इसके आईज बना दिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी नोज बनाएंगे। देखो, नोज जहां से जो चीज बन रही है, हम केवल वहीं से वो ही चीज बनाएंगे। ओके, ये हमने इसके लिप्स बना दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसका ये हैंड बनाएंगे, हाथ बनाएंगे इसका। जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक वैसे ही हम इसे ड्रॉ करेंगे। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, जैसा आपको दिख रहा है केवल वैसा ही आप लोग बनाएंगे। हाँ, अगर आप इसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हो, कुछ बदलाव करना चाहते हैं इसे बनाने के लिए, तो आप वो ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप केवल उतना ही बना देंगे, वो भी सुफिशियंट रहेगा। ये इसका दूसरा कान है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हम जो भी बनाते हैं वो रफ स्केच के थ्रू ही बनाते हैं, क्योंकि रफ स्केच बनाना बहुत जरूरी है और बहुत
ये आसान भी होता है, और इससे आसानी से आप लोग जो है रफ स्केच बना लेते हैं। जो हमारा रफ स्केच बनकर तैयार हो जाता है तो हमारा स्केच बनने में भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास में जो खाका होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, वो तो हमारे पास में रेडी होता ही है, बस उसको फिर फाइनल एडिट करने की जरूरत रह जाती है हमें। ठीक है बच्चों, ये इसका हैंड बन गया है, और ये जो इसके गहने हैं, जो इसका ब्रेसलेट है, ये भी बनकर तैयार हो गया है। ये इसका ताबीज है, ये इसका ताबीज बन गया है, और यहाँ से इसका टंग बनकर तैयार हो गया है। जो भी हमारे रफ लाइंस है हम उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने जो हमारे बहुत सारे जो रफ लाइंस ड्रॉ हो रही थी वो हमने जो है यहाँ से इरेज कर लिया, और उसका फाइनली स्टमक हमने इसको बना दिया है। ये हमने इसका ये जो कपड़ा पहना हुआ है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है इसका। ठीक है बच्चे, ये हमने इसका कपड़ा जो है ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके यहाँ से शूज बनाएंगे। ये हमने इसके शूज रेडी कर दिए हैं। वेरी गुड। ये हमारा रफ स्केच जो है बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें कलर भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा रफ स्केच तैयार हो गया बिल्कुल बनकर। अब जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप इसमें कलर कर सकते हो, और जैसा भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक कर सकते हो, और कलर बाहर ना निकले इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, देखते हुए कितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको कैसे क्या करना है? कमेंट में लिखकर बताइए आप। अब इसमें हम कलर करेंगे, ठीक है। जो भी कलर करेंगे बहुत सावधानी से करें। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ भाई, मैं डिजिटल पैड से कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड से कर रहा हूँ, और आप लोग जो भी करेंगे वो पेंसिल से करेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक कलर करें, मुझसे गलती हो सकती है कलर करने में, क्योंकि मैं सीधा डायरेक्ट इसमें कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें कलर करें। यहां से हम दूसरा कलर ले लेंगे। दो सेम कलर तो नहीं मिल पाएगा इसमें, क्योंकि कंप्यूटर से कर रहा हूँ, अगर वैसे करना होता तो सेम कलर बन भी जाता है, लेकिन यहाँ पर गिने चुने चुनिंदा ही कलर हैं, इसलिए हम यहाँ से जो है जो भी कलर दिया हुआ है इसमें केवल उसी के साथ में कलर फिल करेंगे। ये हमने कलर कर लिया है इसमें, अब कुछ कलर में जो एडिटिंग करनी है वो कर सकते हैं हम।
यहाँ पर हमने इसमें इसके चेहरे में जो है वो कलर फिल कर लिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसका जो कलर है ये इसको थोड़ा सा डायमेंशन बनाने की कोशिश करेंगे। हे प्रभु, थोड़ा सा कलर्स के अलग अलग टोन्स बनाएंगे। भाई मेरे पास जो है यहाँ पर गिने चुने टोन्स हैं, इसीलिए
बच्चों इसमें जो ये जो मैंने बनाया है जिसमें जो इसमें रफ लाइंस चमक रही है ना, आपको ये रफ लाइंस मिटो देनी है जब आप बनाओगे, क्योंकि अगर मैं ये मिटाऊंगा तो ये कलर भी मिट जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं सीधे डायरेक्ट कंप्यूटर पे बना रहा हूँ। जब आप लोग पेंसिल से कलर की मदद से बनाओगे तो आपको जो है ये ड्राइंग जो है, ये जो लाइंस है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये जो लाइंस है ये बिल्कुल मिट जाएंगी यहाँ से। ठीक है बच्चों, ये बन गए आपके छोटे भीम साहब। तो आप लोग जब बनाओ तो बहुत अच्छे से बनाना, मुझे बताया कि आप लोग मुझसे भी ज्यादा अच्छे से बना पाओगे इसको, और तो बहुत ही अच्छे से बनाना है इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसके इसमें ये कलर कर देते हैं और यहाँ पर ये कलर। ठीक है, अब ये बन गया आपका छोटा भीम। आप लोग जब भी इसको बनाओ तो बहुत ही ध्यान से बनाना भाई, वो बड़ा ही मजेदार कैरेक्टर है। बस हो गया, चलिए बस आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में आप जो भी बनाना सीखेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगली क्लास में क्या बनाना सीखना है, मैं वही बनाना सिखा दूंगा आपको। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्या बनाना सीखना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ बच्चों, ये जो ड्राइंग मैंने आज बनाई है आप इसको अपनी स्केचबुक में बनाकर और ग्रुप पे सेंड कर देना। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया है बाल गणेश अगली बार से ड्राइंग बनाना सिखाएंगे। ठीक है, अगली बार बाल गणेश बनाएंगे। ठीक है बच्चों, बाल गणेश बनाकर बनाना सिखाएंगे अगली बार। YURFYI, ये एक बच्चे ने कमेंट किया है भाई, FUPJHKHGYF क्या है ये, पता नहीं क्या नाम रखा हुआ है। कमेंट भी ऐसे किया है, VVURFYI, पता नहीं क्या क्या लिखा है, उससे ऊपर एलेक्सिस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, VORREDI,
पता नहीं क्या क्या लिख रखा है बच्चों। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम बाल गणेश बनाना सीखेंगे। और जो ये बना छोटा भीम जो है, आप लोग बनाकर अपने ड्राइंग बुक में इसको जो है ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर समझ में ना आए तो, अब या फिर अगर आपको कुछ क्राफ्ट में कुछ सीखने का मन है तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं कि आप सर आप जो है हमें क्राफ्ट में कुछ बनाना सिखाइए। तो नेक्स्ट क्लास हो सकती है कि बाल गणेश बनाए नेक्स्ट क्लास में, या फिर कुछ क्राफ्ट से हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। और हो सकता है मे बी मैं कंप्यूटर पे ना बनाऊं अगली बार, क्योंकि मेरे पास में ना मोबाइल स्टैंड शायद मेरा टूट गया है, तो इसलिए मैं आपको कंप्यूटर पर बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें सीधा डायरेक्ट मैं वीडियो कैसे चला पाऊंगा आपके लिए, तो इसलिए मैं कंप्यूटर पर बना रहा हूँ। हो सकता है कि मैं नया स्टैंड ले आऊं और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको सीधा लाइव पेंसिल से ड्राइंग बुक पर बनाकर दिखाऊं, ठीक है। उसमें ज्यादा अच्छे से आप सीख पाओगे। कोई नहीं, आप जितना भी आपको ये समझ में आया आप उसको बनाना, ठीक है। पहले रफ स्केच तैयार करेंगे, उसके बाद में उसमें हम फाइनल जो है जो कुछ भी है वो करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फाइनल वर्क हम रफ स्केच पर ही करेंगे, लाइंस बार बार आती है कोई दिक्कत नहीं है, इरेज केवल हम एक बार करेंगे वो भी लास्ट में। और जो भी पेंसिल हम चलाते हैं स्केचबुक पर वो बहुत लाइट चलाएं, ज्यादा हार्ड प्रेस ना करें, ज्यादा डार्क पेंसिल ना चलाएं, क्योंकि इरेज करते वक्त उसके निशान रह जाते हैं। तो बच्चों ज्यादातर बच्चे गलतियां यही करते हैं स्केच करते वक्त, पेंसिल बहुत ज्यादा डार्क चलाते हैं स्केचबुक पर, जिससे कि उसके ना मार्क्स रह जाते हैं उसपे, मार्क्स रह जाते हैं उसपे। और ज्यादा डार्क पेंसिल ना चलाए, तो लाइट चलाए ताकि इरेज करने में बहुत आसानी हो और निशान ना पड़े, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और कल क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब बखैर, ठीक है, चलो भाई। Thank you.